सरना धर्म कोड को लेकर रांची स्थित प्रेस क्लब में आज सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में सामाजिक संगठनों का कहना है, जो लोग, जो संगठन जनजाति समाज का पहचान और अधिकार की बात कहकर अलग, पृथक सरना, आदिवासी धर्म कोड, ट्राइबल धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, इससे जनजाति समाज का पहचान और हक अधिकार बचने वाला नहीं है। बहुत ही गंभीर विषय है। आज पूरे राष्ट्र में भारतीय संविधान के तहत आम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया है उसमें इसी को आधार मानकर बनाया है कि जो समाज अपने समर्पण, अर्पण, त्याग, बलिदानी, तपस्या अपने समाज से को प्राथमिकता न देकर अपने देश और मातृभूमि के लिए जो कुर्बानी दी है, त्याग बलिदानी किए हैं, उनसे उनकी आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति जो पिछड़ी है उसको समांतरित करने के लिए, समांतरित करने के लिए, समरूपता देने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें आदिवासी लोग जितने जन आंदोलन किए, चाहे मुगलों के विरुद्ध, चाहे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो संविधान बना उसमें आदिवासियों को जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसमें एक मौलिक अधिकार है और एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार में जो धर्मांतरित लोग हैं वो लोग आज 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इसलिए जो राज्य सरकारें हैं या भारत सरकार है वो महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल के महोदय के आदेशानुसार संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकार का ये हनन हो रहा है और आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जनजातियों का शोषण हो रहा है। इसीलिए जो उरांव, मुंडा हो, संथाल, खेरवार, जितने भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं और वो अपने आप को रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति से बचे हुए हैं, वैसे लोगों को के लिए 100% आरक्षण की सुविधा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ईसाई मिशनरी, मुस्लिम लोग, जो धर्मांतरित लोग हैं, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से भटक करके दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, वैसे लोगों को